मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, या पहले हम वर्ड संक्रांति को समझते हैं। तो एज वी नो, सूर्य, वैसे तो सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पर ज्योतिष में हम लोग ऐसा मानते हैं कि धरती तो स्थिर है, सूर्य उसके आसपास घूम रहा है। तो 12 राशियां हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि की तरफ संक्रमण करता है, शिफ्ट होता है, उसको संक्रांति बोलते हैं। और अभी सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जा रहा है, फ्रॉम सैजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न, इट इज मूविंग देयर। सो व्हाट इज सो स्पेशल, व्हाट इज सो स्पेशल राइट नाउ दैट इतना बड़ा बात हो रही है, इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली। सो इन इंडिया, यस थैंक यू, उत्तरायण हो रहा है। सो जैसे कि चंद्रमा की वजह से दो डिविजन्स होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, सेम वे सूर्य की वजह से भी दो डिविजन हो रहे हैं, उत्तरायण कृष्णायण। उत्तरायण क्या हुआ? उत्तरायण वो टाइम है जो ठंड का सीजन खत्म, विंटर का सीजन खत्म, एंड सन इज एंटरिंग इनटू अ स्टेट, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, और अपनी पूरी ऊर्जा को लेके सूर्य इधर उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। और उत्तरायण बहुत ही शुभ फेज माना जाता है। क्यों माना जाता है शुभ? क्योंकि सूर्य पूरे तेज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तो 14 जनवरी से द सन स्टार्ट्स गेटिंग इट्स फुल लाइट, फुल एनर्जी, जो पीक पे अप्रैल में पहुंचती है। ओके, हाईएस्ट उस समय होती है। बट एज यू नो, व्हाट इज लाइट? लाइट इज एक्सपेलिंग डार्कनेस। सो दक्षिणायन का अंधेरे को हटा के सूर्य लाइट की तरफ बढ़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इतना बढ़िया बोला है कि जो लोग इस सूर्य की रोशनी से अपने इस शरीर का त्याग करते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। ओके, सो एक ये भी बहुत बड़ा इवेंट है। सो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, एंड फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन इस बार हिंदी में स्लाइड्स है सारी, बिकॉज ये हिंदू पर्व है, सो द स्लाइड्स आर हिंदी, एंड द क्रेडिट गोज टू माय लिटिल नीस जिसने बनाई है सारी स्लाइड्स। सो मकर संक्रांति, सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व इसलिए अधिक माना गया है क्योंकि ये माघ का महीना है। तो हिंदू जो कैलेंडर है उसमें ये बहुत ही विशेष और ऑस्पिशियस मंथ होता है। जब हम पूरी कहानी सुन लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये इतना इसकी रेलेवेंस है। सो यू कैन टेक द पिक्चर्स एंड गो थ्रू द स्लाइड्स लेटर। सो मकर संक्रांति में, एज वी सेड, मकर इज कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में सूर्य आ रहा है, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। वही सब लिखा है जो मैंने आपको बोल के बताया। देन इन ईयर, सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, एज अबव सो बिलो। तो जो यूनिवर्स में हो रहा है वो हमारी दुनिया में हो रहा है। वही जब मैं एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स एंड चक्रा की बात करती हूँ, वो सब हमारी बॉडी में ही होता है। तो सिंस आर अर्थ इज टिल्टेड ऑन 23 डिग्रीज एक्सिस, एक चार जोन्स बनते हैं, सूर्य के चार जोन्स आते हैं, जहां विंटर सोलस्टिस, समर सोलस्टिस, इक्विनॉक्सिस फॉर्म होते हैं। तो ऐसे चार जोन्स होते हैं जो 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर को होते हैं। तो ये एक खगोलीय घटना भी है। ओके, सो 12 राशियों में सूर्य घूमते हैं।
तो अभी वो मकर राशि में पहुंचे हैं। नाउ ये भी मैंने आपको बता दिया, चंद्रमा दो भागों में, चंद्र से कृष्ण और शुक्ल पक्ष मिलता है, वैसे ही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में, सूर्य धरती उत्तर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है सूर्य, इसलिए ही इज मूविंग टुवर्ड्स लाइट। सो एज आई टोल्ड यू, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय होती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता, वो डेथ, बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाता है। ही मूव्स टुवर्ड्स सेल्वेशन। सो भीष्म पितामह, अगर आपको याद है कि अर्जुन ने महाभारत में, ये आता है कि अर्जुन के तीरों से घायल होके तीरों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए होते हैं और उनको ये वरदान होता है कि वह अपना इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला होता है। तो वो 14 तारीख को, 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन अपने देह का त्याग करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, इसलिए वो मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये भी बोलते हैं कि ये जो 6 मंथ्स है, फ्रॉम 14 January to 14 July, आई थिंक सो, इसमें अगर किसी भी सोल की डेथ होती है तो वो मोक्ष की तरफ होता है, और उसके बाद जो दक्षिणायन वाला फेज में जाते हैं उनको रीबर्थ लेना है, कुछ तो उनका कर्मा है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, नहीं तो। सो बसंत ऋतु है इस समय, नई फसलें उनकी खुशी मनाते पंजाब में, सो दे सेलिब्रेट लोहड़ी। सो यहाँ पे दिया गया, अलग अलग जगह ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इन पंजाब लोहड़ी मनाई जाती है, और केरला में पोंगल मनाया जाता है, और सिंधी वाले लाल लोही मनाते हैं, और राजस्थान में ऑल द लेडीज दे गिव 14 things एज अ, उसको बोलते बायना, 14 सुहाग की चीजें देते हैं, क्योंकि ये पर्व दान पुण्य का भी है, अभी इसकी भी बात करेंगे। इस दिन हम गुड़ और तिल का सेवन करते हैं, अगर आयुर्वेद में माने तो गुड़ एंड तिल गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, गुड़ वार्मथ देता है, तिल स्ट्रेंथ देता है, और कपा जो रोग होता है, कफ से रिलेटेड, उसमें भी रिलीफ देता है। तो जो सर्दी का मौसम है उसमें ये तिल और गुड़ खाना पौष्टिक रहता है, इसलिए तिल और गुड़। देन इस दिन स्नान दान पुण्य और पूजा का है, आप इस स्लाइड का वो ले लीजिए, मैं आपको इसका स्टोरी सुनाऊंगी बहुत अच्छी सी, स्लाइड्स को बंद करके। पतंग काइट फेस्टिवल इट इज, सो आई हैव अ ब्यूटीफुल रेमेडी रिलेटेड टू दिस काइट। व्हाट यू ऑल कैन डू, कल एक पतंग ले, उस पतंग पे अपनी प्रॉब्लम लिख दें, जो भी आपकी प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, एंड अपने घर का जो भी पर्सन पतंगे उड़ाता है उसको बोलो वो पतंग उड़ाए, और प्रे करे कि वो पतंग आपकी कट जाए। सो अगर आपकी वो पतंग कट जाती है, आपकी वो प्रॉब्लम खत्म। सो दिस इज अ रेमेडी ऑफ मकर संक्रांति। तो ये महाभारत में, अब यहाँ पे ये आप ये पिक्चर ले लें, मैं स्टोरी स्क्रीन बंद करके बताऊंगी, ओके? यू कैन टेक द पिक्चर्स। सो एक और चीज होती है हमारे हमारे जो पुराना काल था, आदि काल में क्या हुआ,
गंगा जी भागीरथ मुनि के घर आती हैं और उनके सारे पितरों को धो के उनका तर्पण होता है। सो सारे पितर इस जो होता है ना, ये अपना कर्मा की थ्योरी से बियॉन्ड हो जाते हैं, उनको सब पितरों को मोक्ष मिल जाता है। फिर ये गंगा जी गंगा सागर में विलीन हो जाती है। इसलिए आज के दिन कुंभ में मेला भी लगता है और मकर संक्रांति एंड गंगा सागर जाके नहाना, तो पुष्कर में जहां भी होली वाटर्स है, बिकॉज आज के दिन बहुत कॉस्मिक एनर्जी हाई है, कॉस्मिक वाटर में भी एनर्जी वाटर में भी बहुत है। सो आज के दिन नहाना बहुत शुभ रहता है, अपने पूर्वजों का तर्पण करना, श्राद्ध करना भी आज के दिन अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ गंगा जी आए थे और भागीरथ जी के पूर्वजों का उन्होंने श्राद्ध करने में मदद की, इसलिए। सो यहां से हमारा एक तरह से हिंदू कैलेंडर भी शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर तो नहीं होता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर तो जब नवरात्रि आएगी अपना तब से होगा, बट जो सूर्य में एनर्जी आ गई तो अब धीरे धीरे सूर्य में एनर्जी बढ़ेगी। और सूर्य क्या है? सूर्य इज लाइट गिवर, सूर्य इज हमें वाइटालिटी, आरोग्यता, हर चीज हमें सूर्य देते हैं। ये आपके लिए कल का टाइम है, दान पुण्य करने का सारा कुछ मैंने आपके लिए बना दिया है। अब कल एक और विशेष बात हो रही है। तो संक्रांति एक देवी थी जिन्होंने पिछले मतलब बहुत सालों पहले कुछ डीमंस का नाश किया था, और वो एक अलग स्टोरी है। बट हर साल जैसे इस बार लक्ष्मी जी भी एक वाहन पे सवार होके स्पेशल आई थी, वैसे ही संक्रांति इस बार उनका वाहन सिंह है और उपवाहन गज है और सफेद कपड़े और बहुत ही अच्छे गेटअप में आ रही हैं। तो लॉर्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी, लॉर्ड ऑफ अबंडेंस लेके आ रही है। सो इट इज शुभ दिस टाइम। आज कल के दिन जो भी दान हम करेंगे वो अक्षय होगा, बहुत ज्यादा उसका पुण्य मिलेगा। ये पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी क्विकली, लेट अस यू कैन टेक द पिक्चर्स। तिल का दान भी आज क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी।